जितना बर्दाश्त करना था ना कर लिया, बस अब और नहीं। चलो हमारे साथ। रुखसार, उठो। बच्चों, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। हुआ क्या ये? सारा, ये सब क्या हुआ है बेटा? बेहयाई की कोशिश की जा रही थी अम्मी इस घर में। हमारे बेडरूम में, हमारे बिस्तर पे, हमारे ही शौहर के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की जा रही थी जिसे जिसे समाज और मजहब में गुनाह कहते हैं। कबीर, इन सब में सिर्फ हमारा कसूर है। रुक जा। क्या तुम हमारे करीब नहीं आए थे? क्या तुमने हमें प्यार से नहीं छुआ था? क्या तुमने हमें मोहब्बत से नहीं देखा था? नहीं जानते कि तुम हमारे लिए क्या हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कुर्बत से हम पागल हो सकते?
नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं झूठ बोलती हो तुम, बकवास करती हो तुम। हमने तुम्हें जिस हालत में देखा है ना, वो ये बताने के लिए काफी है कि कसूर किसका है। असलियत जानना चाहती हो ना अपनी, हम बताते हैं तुम्हारा सच सबको। किसने क्या किया, कौन किस बात का जिम्मेदार है, इस बात का फैसला हम थोड़ी देर बाद कर सकते हैं जाना? अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम रुखसार को लेके यहाँ से जा सकते हैं। भाभी जारा, हालत देखो इसकी, घर के मर्दों के सामने खड़े रहने लायक कपड़े तक नहीं है इसके जिस्म में। प्लीज इस वक्त सवाल किसी के सही या किसी के गलत होने का नहीं है, इस वक्त सवाल है उस यतीम लड़की की इज्जत का जिसे इस घर ने अपनी बेटी माना। सारा कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये भाग जाएगी? तो चलो आओ हमारे साथ, हम दोनों मिलकर इसे कमरे में बंद कर देते हैं। और अगर आप में से किसी को लगता है कि ये कलाई काटने की हरकत दोबारा दोहराएगी तो इस बार तो इसे हम भी हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है, हम किसी को भी अपने घर की इज्जत उछालने की इजाजत नहीं दे सकते, फिर चाहे वो हमारी बहन ही क्यों ना हो। हमें ये समझ नहीं आया कि आप हमारी नजरों से बच कैसे गई। सीनत भाभी, अल्लाह कसम, अगर आप हमें पहले मिली होती ना तो आपके प्यार में पड़ के आपसे निकाह कर लेते हो। वाह क्या चाल चली है आप, हमें भी मजा आ गया। सच हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कबीर ये रुखसार ने जो कुछ ये जो कहा ये सब कुछ ये क्या कह के गई। नहीं कबीर, कुछ कहने के सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है कभी। पूरा यकीन है तुम पर, जो इंसान बंदूक के नोक पर तलाक की बजाय मौत को चुन ले वो बेवफा नहीं हो सकता। तलाक 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 हम नहीं देंगे सिराज। हम एक बार खुद पर शक कर सकते हैं मगर तुम पर नहीं। कबीर क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारे बेडरूम में क्या हुआ था?
हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं कबीर। क्या तुम हम सबको बता सकते हो कि तुम्हारे बेडरूम में क्या हुआ था? रुखसार ऐसी हालत में एक ऐसी जगह पाई गई जहां उसे नहीं होना चाहिए था कबीर, वो भी रमजान के पाक महीने में। अगर आप लोगों को लगता है कि रुखसार गुनेगार है, कसूरवार है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और जो भी सजा आप लोग तय करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन कभी मेहरबानी करके हमें बताओ कि रुखसार तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे ही बिस्तर में तुम्हारे साथ पहुंच कैसे गई? भाभी वो रुखसार खुद हमारे कमरे में आई थी और हम दोनों बातें करने लगे और उसके बाद हमारी बहन निलोफर चाहती थी कि हम रुखसार के लिए उसकी तरफ से उसके निकाह के लिए कोई तोहफा लेकर जाएं। हमने उस दिन रुखसार को बुलाया शॉपिंग के लिए, लेकिन हमें वो थोड़ी सी परेशान सी लगी। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम सारे काम छोड़ के जल्द से जल्द उसके पास जाओ। तुम समझाओगे तो शायद वो समझ जाएगी। रुखसार बस रोना बंद करो, ये बचपना है। फिर उसने हमें पानी दिया था भाभी। कबीर कबीर कबीर, रुखसार तुम्हारे बिस्तर तक पहुंची कैसे? पानी पीजिए। पानी पिया और फिर हमें नींद आ गई। तुमने पानी पिया और तुम्हें नींद आ गई, सुन रहे हैं आप सब? हमें लगता है शायद हम गलत वक्त पर आ गए। आप लोगों की शायद कुछ खानदानी बात चल रही है। कबीर हम बाद में आते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, अब आप भी तो इस घर के मेंबर ही हैं। हम आपसे भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? आपने शाम को कबीर को फोन करके बुलाया था ना, उसके बाद क्या हुआ क्या आप बता सकते? फोन, हमारा फोन नहीं मिल रहा था हमें, तब सिर्फ हमारा फोन नहीं मिल। अलीना जरा कमरे में जाके देखो ना, हमारा फोन है कि नहीं। जी भाई। मिराज वो रुखसार के लिए हम परेशान थे क्योंकि थोड़े दिन पहले मुझसे मिले थे तो वो अपने निकाह को लेके कुछ परेशान थी। हाँ देखा भाभी। तो हमने कबीर को बोला कि तुम उससे बात करो, उसे समझाओ। उसके बाद हम लोग घर आए। घर आने के बाद कबीर जारा भाभी को थोड़ी देर ढूंढने लगा। उन्हें फ़ोन भी मिलाने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन लगा नहीं। तो हम बाहर चले गए ड्राइवर को काजी साहब के घर भेजने के लिए ताकि वो जारा भाभी को वापस ला सके। तब तक कबीर रुखसार को समझा रहे थे, लेकिन हाँ जब हम वापस आए तो ना ही कबीर था और ना ही रुखसार। तो हमें लगा सब अपने अपने में मशरूफ हैं तो हम अपने कमरे में चले गए। बस हमें यही सब पता। वहां तक तो कबीर को भी याद था, उसने हमें बताया सब कुछ। हम जानना चाहते हैं उसके बाद क्या हुआ मिराज। जी हमें इतना ही मालूम है क्योंकि उसके बाद तो हम अपने कमरे में चले गए थे और हम किसी से मिले भी नहीं। क्या हुआ कबीर, सब खैरियत? कुछ नहीं पता। नहीं कबीर, हम कुछ नहीं जानते उसके बाद क्या हुआ।
अलीना, हमारा फोन मिला? हाँ भाई मिल गया, आप ही के कमरे में था। अलीना, हमारे कमरे में नहीं भाई, आप ही के बेड पर था। नहीं अलीना, अगर ये फोन हमारे कमरे में होता तो हमें मिलता, क्योंकि हमने ढूंढा था फोन को। भाई हमें नहीं पता ये फोन आपके बेड तक कैसे पहुंचा, लेकिन हमें आप ही के बेड के कॉर्नर पर मिला। तुम ये पियो ना। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो हम ये फोन चेक कर सकते हैं। जरूर भाभी, चेक कीजिए। क्या कह रहे थे तुम कबीर? कि कुछ घंटों पहले तुम जारा को ढूंढ रहे थे। जारा ने तो तुम्हें अनगिनत कॉल्स किए हैं, मैसेजेस भी किए हैं, पर ना ही तुमने उन कॉल्स का जवाब दिया, ना ही मैसेज का रिप्लाई किया। और खुद से भी कॉल नहीं किया, क्यों? तो क्या आप बता सकते हो कबीर, ऐसा कौन सा काम था जिसने तुम्हें इतना मसरूफ कर रखा था? भाभी, हम आपसे कितनी दफा कह चुके कि हमने कुछ नहीं किया। क्या तुम अब बता सकते हो कबीर कि वो कौन सी वजह थी जिसने इतने घंटों तक तुम्हें अपनी बीवी को फोन करने से रोके रखा? हमने अपना फोन खो दिया था भाभी। अभी कुछ देर पहले अलीना को तुम्हारा फोन तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बेड पर मिला, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा फोन खो गया था। भाभी, अगर वो फोन हमारे कमरे में होता तो हमें मिलता। तभी ये तुम्हारे कमरे से मिला है। कैसे पहुंचा बेड तक अलीना? आप ये फोन की कहानी से साबित क्या करना चाहती हैं? देखो जारा, हम कुछ साबित नहीं करना चाहते। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर रुखसार ने ऐसी हरकत की है तो उसे सजा मिलने से पहले उसका जुर्म साबित होना बहुत जरूरी है। और सारी कहानी का राज तो उस एक घंटे में छुपा है जो कबीर को याद ही नहीं है। तो बस हम तो बस उस एक घंटे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम? मिराज, एक काम करो, तुम ही भाभी को बताओ। जो कुछ भी जीनत भाभी कह रही है वो सब ठीक है। क्या? लेकिन सवाल ये उठता है कि कबीर को ये याद क्यों नहीं है कि उस एक घंटे में हुआ क्या था? मिराज, हम भी उस एक घंटे को लेके पागल हो रहे। भाभी, हम है हम, कबीर, खुदा का वास्ता, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। कबीर, जीनत, हमें नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। बेशक हम सारी सच्चाइयों का पता लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे ख्याल से अभी सबको अपने अपने कमरे में जाके आराम करना चाहिए, वरना सहरी की देरी की वजह से रोजा छूट जाएगा। लेकिन अम्मी, बात तो जीनत, अम्मी ने अभी कुछ कहा ना, बहुत देर हो चुकी है, हम सब थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लें।
नहीं तो रोजा छूट जाएगा। ठीक है अब्बू, कुछ देर बाद ही सही, लेकिन हम फिर यहां मिलेंगे और रुखसार की तकदीर का फैसला आज ही होगा।